आकाशवाणी भोपाल के समाचार प्रभाग से प्रस्तुत है देवास जिले की चिट्ठी। आलेख नितिन गुप्ता, वाचन स्वर रत्नेश सोनी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्थित मालवा के सुरम्य जिले देवास के निवासियों ने बीता पखवाड़ा सावन की रिमझिम फुहारों और बरसात के उल्लास भरे माहौल में बिताया। हालांकि इस वर्ष अब तक जिले में मात्र 780 मिलीमीटर औसत बरसात दर्ज हुई है, जबकि विगत वर्ष अब तक देवास में मानसून का औसत 1250 मिलीमीटर था। वैसे अब तक खरीफ फसलों की अच्छी स्थिति के कारण किसान खुश हैं। देवास का रेलवे स्टेशन और आसपास के हिस्से का स्वरूप अगले कुछ महीनों में बदला नजर आएगा। यहाँ 29 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश में 508 रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है, जिसमें देवास रेलवे स्टेशन भी शामिल है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देवास में फुट ओवर ब्रिज, वेटिंग एरिया, पार्किंग शेड, स्टेशन रोड चौड़ीकरण आदि कार्य किए जाएंगे। देवास जिले में पिछले दिनों जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास की सचिव श्रीमती निहारिका सिंह द्वारा जिले के ट्रांसजेंडरों के लिए आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में उन्हें विधिक अधिकारों की जानकारी दी गई। देवास जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में गर्भवती माताओं और 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। 100% टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष 5.0 के दूसरे चरण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 5 साल तक के बच्चों और गर्भवती माताओं को टीके लगाए जा रहे हैं। देवास जिले में नेहरू युवा केंद्र द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत जिले भर से अमृत कलश में मिट्टी का संग्रहण किया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र अलग अलग धर्म के मंदिरों में जाकर भी मिट्टी एकत्रित कर रहा है। यह अभियान 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। देवास जिले में डेंगू से बचाव के लिए डेंगू सफाई पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर फीवर सर्वे कर रही है और टेमोफास का छिड़काव किया जा रहा है। जिले में आज तक कुल 20 व्यक्ति डेंगू संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें एक बालिका की मृत्यु हो गई थी। देवास जिले में हिंदी दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हुए। नेहरू युवा केंद्र देवास द्वारा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से 14 से 29 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें हिंदी कार्यशाला, पोस्टर बनवाना, अंताक्षरी प्रतियोगिता, प्रश्न मंच प्रतियोगिता, देशभक्ति गीत प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। देवास जिले में उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा उद्यानिकी फसलों की उन्नत उत्पादन तकनीकी एवं संरक्षित खेती सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। देवास जिले में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के साथ साथ मतदाता जागरूकता गतिविधियों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में मतदाता जागरूकता के लिए शपथ के साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। देवास जिले में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए मार्गदर्शन शिविर का आयोजन जिले के समस्त विकासखंड में आयोजित किया गया। योजना में उद्योग के लिए 50 लाख रुपए तक एवं सेवा खुदरा व्यवसाय में 25 लाख रुपए तक का ऋण बैंक के माध्यम से परियोजना प्रारंभ करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। देवास जिले में गत दिनों संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास की समरसता यात्रा पहुंची। यात्रा ने जिले के टोंक खुर्द, देवास, बागली एवं कन्नौद विकास खंड से होते हुए आष्टा जिला सीओ में प्रस्थान किया। देवास जिले में पिछले दिनों मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा स्नेह यात्रा निकाली गई। स्नेह यात्रा स्वामी माधवानंद जी महाराज के नेतृत्व में निकाली गई। देवास जिले में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा का वचन लिया। देवास जिले में विगत दिनों हॉकी के महान जादूगर पद्मश्री ध्यानचंद के जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिले में खेल सप्ताह का आयोजन कर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। देवास जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से युवाओं को खेलों में सहभागी बनाने के उद्देश्य से विधायक कप 2023 का आयोजन भी किया गया। इसी के साथ देवास जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।